एक मित्र ने पूछा है कि जैसे एक फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर सभी काम करता है लेकिन फिल्म में नज़र नहीं आता, उसी तरह हमारे जीवन की लीला को करने वाला साक्षी है वो हमारे भीतर है, जो बस देख रहा है, लिप्त नहीं है। लेकिन ये लीला इतनी दर्दनाक क्यों है? कहीं एसिड अटैक, कहीं गरीबी लाचारी, ऐसे लीला क्यों? इन टॉपिक पर फिल्म भी बनती है तो नहीं चलती? फिर वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, ऐसे दर्द भरी लीला का रचयिता कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसके बारे में भी हमको कुछ बातें बड़े अच्छे से समझ लेनी चाहिए। देखो, जीवन के बारे में एक स्पष्ट समझ है, मैंने इसको हर बार कहा है, जिसको सभी मित्रों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जीवन की अभिव्यक्ति जब भी होती है तो वो द्वैत के रूप में होती है, ड्यूअलिटी के रूप में होती है। हम एक पक्ष देखते हैं, हम दूसरा पक्ष नहीं देखते। तो यहाँ पर हमेशा विपरीत और विरोधाभासी ध्रुव रहेंगे, उसी से ये जीवन की लीला चलेगी जिसकी बात प्रश्न में पूछी है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रश्न में लिखा है, तो उसको प्रश्न में है कि फिर ऐसी दर्दनाक घटनाएं क्यों हैं, ये एसिड अटैक क्यों, ये गरीबी लाचारी क्यों, ये तमाम तरह की परेशानियां क्यों? जीवन मिक्सचर, यहाँ सभी कुछ है। यहाँ प्रेम करुणा के भी उदाहरण हैं, यहाँ घृणा और हिंसा के भी उदाहरण हैं। यहाँ हर चीज़ अपने ढंग से विपरीत में टूट कर चल रही है। तो हम प्रश्न कभी ये नहीं उठाते कि कहीं पर इतनी सुंदरता क्यों है, कहीं पर इतनी अच्छाई क्यों है। जब हमको कुछ खराब दिखाई देता है, टूटा हुआ दिखाई देता है, तो हम उस पर तो प्रश्न खड़े करते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक संतुलित ढंग से देखें तो दिखाई देगा कि जीवन में ऐसे ही चलता है। यहाँ पर विपरीतता है, जन्म और मृत्यु है, अंधेरा और उजाला है, पीड़ा है, आनंद है, सुख है, दुख है, सब ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा भी। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, एक ही जैसी चीज़ एक ही रंग में हो जाएगी। चीज़ों का ये द्वैत पर बहता हुआ जो ढंग है, यही जीवन के विकास की यात्रा है। तो इन बातों को सहजता से लें। बात मैं समझता हूँ, जब परेशानी की बात है तो जो व्यक्ति उस कष्ट से गुजरता है उसका कष्ट बिल्कुल जेन्युइन है, उस कष्ट को महसूस करता है, इसीलिए बात भी उठती है कष्ट क्यों आया। लेकिन उस कष्ट से फिर आगे और परिवर्तन आते हैं और इस जागतिक घटनाक्रम में, इस जो कॉस्मिक हैपनिंग है, इसमें कोई घटना क्यों होती है, कोई घटना क्यों नहीं होती है, इसको जाना जा सकना संभव नहीं। लेकिन इतना तय है कि हर घटना उस संतुलन की तरफ ही हमको ले जा रही होती है जो इस विकास क्रम का हिस्सा है। यानी कि हम एक अभूतपूर्व संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए जाते हैं, वैसे ही जीवन चलता है। तो अगर अपने भीतर के साक्षी पर हम काम कर रहे हैं, साक्षी को जानते हैं, देखते हैं कि वो जो तटस्थ दृष्टा है, तटस्थ साक्षी है, जो डिटैच्ड फिटनेस है, उसका अनुभव है तो खूबसूरत है। और उस अनुभव में ये द्वैत का घटनाक्रम है, इसको बार बार पूछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इसे स्वीकार नहीं करते। मुझे लगता है हम स्वीकार कर लें जीवन के इस ड्यूअलिटी बेस्ड हैपनिंग को, फिर कोई अड़चन नहीं रहेगी और हम हर चीज़ से फिर समृद्ध होंगे। ये विपरीत का टकराना ही जीवन को आगे ले जाता है और ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहा है, विकास का हिस्सा है और इससे विकास आगे बढ़ता ही है, पीछे नहीं जाता, और यही उचित है।